नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखा है, आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैथमेटिक ऑप्शनल के बारे में जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो टू बी होनेस्ट, मुझे इस ऑप्शनल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पता है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं है। फिर भी मैं आपको इसके रिगार्डिंग जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि आपके सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि किस कोचिंग के मटेरियल को पढ़े, कहां से इसको कवर करें। डिस्क्लेमर के तौर पे पहले बता दूं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है। इसका एकमात्र एक ही कारण है कि एक साथ में मैं इतने सारे वीडियो शूट कर रहा हूं। आपको सेम ड्रेस में, सेम लोकेशन पर, सेम बैकग्राउंड में बहुत सारे वीडियो भी एक साथ पर चैनल पर देखने को मिल रहे होंगे। असल में मैं बुक शॉप के ऊपर आया था किसी कारण से, आज मुझे मौका मिला, क्योंकि इनका आज किसी कारण से दुकान आज बंद थी, तो मुझे एक अच्छा सा ऑप्शन मिला कि आज वीडियो बनाए जा सकते हैं, और एक साथ में मैं सारे वीडियो बना रहा हूँ। आवाज़ पूर्ण रूप से बैठ चुकी है, फिर भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो इस बात पर एक लाइक जरूर करना और अपनी कमेंट जरूर करना। सो दोस्तों, सबसे पहली बात कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल कैसा है। दोस्तों, अगर कुछ टीचर बोलते हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शनल मैथमेटिक्स या फिर एंथ्रोपोलॉजी है। कारण ये है कि इन दोनों के अंदर हाइएस्ट मार्क्स लाए जा सकते हैं। इस बार अगर देखेंगे तो आप 2020 में सबसे ज़्यादा मार्क्स तो एंथ्रोपोलॉजी में थे, जो कि आई थिंक मैंने वो वीडियो बनाया जो ऑप्शनल वाला, उसको आप एक बार देखिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और सेकंड नंबर पर आई थिंक मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही था। मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो कि वो व्यक्ति कर सकता है जिसका इसके रिगार्डिंग इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड है। अदरवाइज अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि मैथमेटिक्स को तैयार कर लेंगे, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, करने को तो कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों, आप ज़्यादा वक्त को जाया नहीं करेंगे, मैं इस वीडियो के अंदर जिस कोचिंग का बात करने वाला हूँ वो है IMS। दोस्तों, IMS अपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और जितने भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के मैक्सिमम टॉपर्स निकलते हैं, उन्होंने इस मटेरियल के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया है, उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। दोस्तों, इस मटेरियल के अंदर आपको टोटल, ये जो आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ा मटेरियल है। इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, 2020 के 21 के पेपर हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको भी एक एक करके सारी जानकारी बताता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो, इसमें आपको प्रिंटेड और क्लास नोट्स साथ में ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं, इसकी क्वालिटी आप देखिएगा एक बार, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप एक बार रिजोल्यूशन बढ़ाइएगा अपने वीडियो का। आप इसकी क्वालिटी देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा शानदार क्वालिटी में रहते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये प्रिंटेड है, पर इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी जो राइटिंग होती है वो शानदार है। आप इस बुक को देख लीजिएगा किस तरीके से इसमें सारे बुकों के अंदर है जानकारी। मुझे एक एक बुक की सारी जानकारी नहीं पता है, और खैर मुझे पेपर फर्स्ट और सेकंड की भी जानकारी नहीं पता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूँ कि इसके अंदर बुकें कितनी होती हैं, और ये बुकें किस हिसाब से शानदार होती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। IMS का मटेरियल इसके कारण शानदार माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक साथ में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसको पढ़ने के बाद में आपको और किसी सेकंड बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके कारण एक कोई आपको ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, तो आपको IMS अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दब रही है, क्योंकि गला काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, उसको भी थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। सो दोस्तों, आप देखते हैं सेकंड नंबर की बुक है, ये बुक नंबर थर्ड। अब जैसे कि देख पा रहे हैं, क्वालिटी सबकी क्वालिटी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मैं आपको बुक दिखाऊंगा। थर्ड नंबर की ये बुक है। इसके बाद में जो बुक है वो फोर्थ नंबर की बुक है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं, इसकी क्वालिटी को आप देखिएगा, वर्ड थोड़ा सा छोटे, बट आई थिंक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो आप इसको देखिएगा, ये जो बुक है आपको पतली दिख रही होगी, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि इसको पढ़ने में मतलब आप अगर इनकी प्रैक्टिस को कर लेते हैं, तो इसके सिवा बाद में आपको किसी और सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बुक नंबर फाइव, इसकी कलर जो इसकी कवर होते हैं वो कलर में होते हैं, तो आपको दिखने में भी काफ़ी अच्छी बुक लगेगी, और आपको पढ़ने में भी अच्छा एक मन लगा रहेगा। बुक नंबर सिक्स, बुक नंबर सेवन, मैं आपको हर एक की क्वालिटी तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लगभग सबकी सेम ही रहती हैं। इसके बाद में बुक नंबर एट, आप सोच रहे होंगे 2021 का मटेरियल क्या 2022 में काम आएगा। दोस्तों, मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, इसके अंदर कोई करंट का टॉपिक नहीं जुड़ते, मैथमेटिक्स हमेशा सेम ही रहती हैं। और IMS क्या करता है कि जो लेटेस्ट ईयर के जो पेपर होते हैं वो अलग से प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। बाकी जो थ्योरी होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो उसके लिए आप टेंशन करने की जरूरत मत कीजिएगा। 2021 बुक नंबर नाइन, बुक नंबर टेन, बुक नंबर इलेवन, क्वालिटी देख सकते हैं आप। बुक नंबर ट्वेल्व, बुक नंबर थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, नेक्स्ट बुक आप देख पा रहे हैं। इसकी क्वालिटी को मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी में आपको कोई इश्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसकी जो इंक वगैरह यूज़ की होती है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। होती तो ये फोटोकॉपी है, लेकिन आपको किसी भी एंगल से आपको फोटोकॉपी नहीं मिलेगी लगेगी, क्योंकि इसके अंदर आप जो बाइंडिंग की क्वालिटी देख पा रहे होंगे, हर बुक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, बाइंडिंग अच्छी है। साथ में इन्होंने क्या कर रखा है, ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, बाइंड कर देते हैं उसको, पिनअप कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, फेविकॉल से इसको चिपका रखा, ऊपर से इन्होंने
टैप कर रखा है ताकि स्टूडेंट को यहाँ पे कोई लगने के भी चांस नहीं रहे और खुलने का भी एक डर ना बना रहे। कवर का भी ज़्यादा शानदार रहता है, काफ़ी मोटा कवर रहता है, ऐसा नहीं कि पतला कवर है, पेज नहीं है, कवर है एक तरह का, बैक में भी कवर बना हुआ रहता है। ये बेसिक जानकारी, मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। हल्की पेंटिंग दिख रही है लेकिन आप पढ़ सकते हैं आराम से इसको। बुक नंबर 17 थी ये, बुक नंबर 18, इसके अंदर लगभग आपका सारा मटेरियल समाप्त हो जाता है और आई थिंक उससे कोई मटेरियल लगे कोई बात नहीं। 18 बुक ये थी, इसके साथ में कुछ बुक और ऐड हो जाती वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि IMS का मटेरियल बेस्ट क्यों है, इसका कारण यही है कि जैसे कि ये जो मटेरियल है यहाँ से आप थ्योरी पढ़ ली, अब आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे। मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए कोई अच्छी बुक मार्केट में रहती नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं इन्होंने पेपर के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 2008 से लेकर 19 तक के सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं, स्पाइरल फॉर्मेट में ये बुक मिलेगी, पढ़ने में कोई दिक्कत रहेगी नहीं और हैंड से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन से। इसमें आपको पेंटिंग नहीं देखने को मिलेगी, आप राइटिंग देखिएगा किसी भी एंगल से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बुक प्रिंटिंग कर रखी है या फिर लिखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा शानदार राइटिंग रहती है इनकी। सो ये काफ़ी मोटी बुक है, अगर मैं बताऊँ तो जितना मुझे बुकों का अनुभव है उसके अनुसार कहूँ तो करीब इसके अंदर 400 के आसपास पेज होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे, काफ़ी मोटी बुक है स्पाइरल फॉर्मेट में। और ये तो थी पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की उससे भी ज़्यादा मोटी है, आई थिंक 500 के आसपास पेज होंगे इसके अंदर, काफ़ी मोटी बुक है। इन दोनों बुकों को देखें तो करीब करीब एक आप मान के चलिए 800 से 1000 पेज के अंदर ये दो बुकें रहती है, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब बात रहती है कि इसके अंदर हमने 2019 तक के क्वेश्चंस तो देख लिए, 2020 की क्या बात रहेंगी कि 2020 हम कहाँ से कवर करेंगे, तो अलग से आपको देखने को मिल रहा होगा 2020 का पेपर। और ये 2000 इसका पेपर सेकंड नंबर है, 2021 का पेपर अभी वो तैयार कर रहे होंगे क्योंकि अभी हाल ही में मैच हुए जनवरी में, तो जैसे ही कवर होंगे तो वो भी आपको एड ऑन मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का एक मटेरियल है जो कि मैंने आपको बताया है। IMS अपने रिजल्ट के लिए जानी जाती हैं, मेरा एक इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आपको एक मटेरियल के बारे में आपको जानकारी बता पाऊँ। आप में से बहुत से एस्पिरेंट मुझे इसके रिगार्डिंग सवाल करते रहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी जरा से भी डिमांड फुलफिल की है तो कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात, कुछ लोग मुझे इसके रिगार्डिंग भी सवाल करते रहते हैं कि हम अपना ऑप्शनल का मीडियम अलग रखें और मेंस में अलग मीडियम को रखें, तो हो सकता है क्या पॉसिबल है, पहले नहीं होता था लेकिन आजकल ये पॉसिबल हो पा रहा है, तो इसको भी आप एक बार कंसिडर कर लीजिएगा। क्योंकि ये सवाल मेरे पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया तो काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो ये सवाल भी अगर आपका सॉल्व हुआ तो एक कमेंट जरूर करना। सो दोस्तों, अब बात रहती है कि इसको आप बाय कैसे करेंगे, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी कि ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, अब बात रहती है इसको बाय कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनके नंबर दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे होंगे, ये राजेश बुक स्टोर है जहाँ पे मैं खड़े रह के सारे वीडियो बना रहा हूँ। आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक दिन में सारे वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको इनको बाय करने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँ, आप इनको कॉल कर सकते हैं, अगर आपका कॉल रिसीव नहीं होगा इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे ही वीडियो पड़ेगा, वीडियो अपलोड होगा, सब लोग एक साथ में कॉल करेंगे, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि एक साथ में कॉल रिसीव ना हो, लेकिन आप इनको मैसेज छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैसेज को सेंड करेंगे, आपको रिप्लाई दे देंगे, आपको जो भी ऑर्डर करना है आपको वो बुक के बारे में सारी जानकारी दे देंगे, आप इनको एड्रेस भेजिएगा, एड्रेस भेजने के बाद में पेमेंट कीजिएगा, आपको ये बुक आपके घर तक मिल जाएगी। काफ़ी लोग सवाल करते हैं ट्रस्ट को लेकर, दोस्तों आप इनके ऊपर भेज दीजिए क्योंकि ट्रस्ट कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने इनके साथ में इनसे बुकें मंगवाई हैं। और एक में हमारा चैनल ही नहीं जो इनके बारे में बताता है, बहुत से बड़े बड़े चैनल जिनके ऊपर लाखों से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत से अच्छे टीचर हैं, वो भी इनको रेकमेंड करते हैं, तो आप एक बार उनको भी रेफर कर सकते हैं। तो इनको ट्रस्ट का लिगा रिंग, तो आपको कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी बुक्स है, काफ़ी अच्छा मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, बाकी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपकी और मेरी दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।